हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। तो आज आपके लिए एक और शानदार प्रॉपर्टी लेके आ गए हैं हम। 418 गज में है, साउथ फेसिंग है, 12 मीटर रोड पे है, हमारे सुशांत लोक 1B ब्लॉक में ये प्रॉपर्टी है। एंड काम देखेंगे, काम भी काफ़ी अच्छा है, टॉप फ्लोर विद टेरेस अवेलेबल है, 6 BHK ये प्रॉपर्टी रहने वाली है। और मतलब इस प्राइस में 6 BHK आपको शायद गुड़गांव में कहीं भी नहीं मिलेगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करें ना, आप सिनेमैटिक शॉट्स एंजॉय कीजिए। बाकी आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि हमारी कोई भी नई वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए और लोगों के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये जो है हमारी एलिवेशन आ जाती है सामने की, यहाँ पे आपको मैं दिखा दूँ 12 मीटर रोड आ जाती है और लोहे का गेट आ जाता है ग्रे कलर का। एंड ये है हमारी पूरी पार्किंग स्पेस आ जाती है यहाँ पे। ऊपर दिखाऊँ तो ये देखिए शानदार सी एलिवेशन मिल जाती है आपको यहाँ पे। और जैसे ही पार्किंग स्पेस में बढ़ेंगे तो यहाँ पे कॉब लाइट मिल जाती है आपको, और हर एक देख सकते हैं फ्लोर के लिए अलग अलग डेडिकेटेड गेट्स मिल जाते हैं, एक कॉमन गेट आ जाता है हमारा। और चलिए आपको मैं पहले पीछे की तरफ लेके चलता हूँ। पीछे की साइड आपको यहाँ पे थोड़ा सा अंधेरा है, एक सेकेंड मैं यहाँ पे, ये पूरे सर्वेंट रूम्स आ जाते हैं। ये देखिए ये सारे फ्लोर्स के आपको सर्वेंट रूम्स मिल जाते हैं यहाँ पे। और जैसे ही हम आगे प्रोसीड करते हैं तो मैं साइज़ भी दिखाऊं तो आपको, ये देखिए थोड़ा अंधेरा है पर अंदाज़ा लग रहा है, डिसेंट साइज़ है सर्वेंट रूम का भी। और पीछे की तरफ यहाँ पे देखेंगे महिंद्रा का आपको यहाँ पे पावर बैकअप मिल जाता है, जेनसेट लगा हुआ है। और प्राइस जो है, प्लीज़ वीडियो के एंड तक बने रहिएगा क्योंकि वीडियो के बीच में मैं कहीं पर भी प्राइस बता दूँगा फ्लोर का। और यहाँ पे ये हमारा लिफ्ट लॉबी एरिया आ जाता है, ये हमारी ऊपर स्टेयर्स जाती हैं। स्टेयर केस में आपको यहाँ पे SS की रेलिंग मिल जाती है, फुटलाइट्स मिल जाती हैं, ग्रेनाइट का काम मिल जाता है। और चलिए अब मैं लिफ्ट बुला दी है, लिफ्ट मैं दिखा देता हूँ आपको अंदर से। एंड ये देखिए 6 पर्सन लिफ्ट आ जाती है हमारी यहाँ पे।
और ब्रांड दिखाऊं तो ओटिस आ जाती है, ओटिस जेन 2। हमने फोर्थ फ्लोर प्रेस कर दिया है, फिफ्थ फ्लोर तक, दैट इज़ आर टेरेस, टेरेस तक ही हमारी लिफ्ट जाती है। और यहाँ पे आपको ना बहुत शानदार चीज़ मिलने वाली है, 6 BHK जो है मेरे हिसाब से गुड़गांव में कहीं भी नहीं मिलने वाला है आपको। 2 BHK हमारा टेरेस पे बना हुआ है और 4 BHK हमारा फ्लोर पे बना हुआ है, ये देखिए। तो ये हमारी नीचे से स्टेकेस आ जाती हैं, ये देखिए सामने से यहाँ से स्टेज आती हैं, बहुत सारी सीनरीज लगी हुई हैं स्टेकेस में, ऊपर भी देखिए यहाँ पे भी सारी जगह आपको सीनरीज मिल जाती हैं काफ़ी सारी। और ये हमारा लिफ्ट लॉबी एरिया आ जाता है यहाँ पे, और ये हमारी एंट्रेंस आ जाती है यहाँ पे। एंड एज वी एंटर, दिस इज़ अ ब्यूटिफुल होम। गेट कुछ ऐसा मिल जाता आपको, यूनिक सी फिनिश है गेट पे, इसे बंद कर देते हैं। यहाँ पे आपका ये डोरफोन कैमरा मिल जाता है, और बिना टाइम वेस्ट करे इस साइड से हम प्रोसीड करते हैं। हमारा ये हमारा यहाँ पे ड्राइंग डाइनिंग एरिया आ जाता है पूरा। यहाँ पे आप देखेंगे ऊपर तो आपको, एक सेकंड, ये देखिए वुडन फिनिश में आपको मिल जाता है, नीचे टोटल इटालियन मार्बल मिल जाता है फ्लोरिंग में। यहाँ पे 2 AC मिल जाते हैं आपको, और सामने देखेंगे वहाँ पे भी वुडन फिनिश मिल जाती है सीलिंग में। और इस साइड पे हमारी फ्रंट बालकनी आ जाती है, फ्रंट बालकनी से आप देख सकते हैं धूप कितनी बढ़िया आ रही है सर्दियों में। साउथ फेसिंग ये प्रॉपर्टी है, ये देखिए ऊपर। तो ये थी हमारी फ्रंट बालकनी, और जैसे यहां से बाहर आते हैं ये हमारा जो लॉबी एरिया है पूरा, और पीछे फैमिली लाउंज की स्पेस है, टोटल इटालियन मार्बल मिल जाता है। यहां पे मंदिर आ जाता है हमारा, ये देखिए पूरी डेडिकेटेड स्पेस मिल जाती है आपको मंदिर की। यहाँ पे इस साइड पे हमारी आ जाती है किचन, किचन में भी आपको काफ़ी डिसेंट वर्क मिलने वाला है। और इस साइड पे हमारी फ्रिज की स्पेस आ जाती है पूरी। एंड यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे इटालियन मार्बल का टॉप आ जाता है आपका, यहाँ पे वेंटिलेशन के लिए एग्जॉस्ट मिल जाता है। इस साइड पे डबल बोल सिंक मिल जाती है, जैगुआर की टैप मिल जाती है। यहाँ पे वॉल की बात करेंगे तो ऐसी कुछ टाइल्स की फिनिश मिल जाती है पूरी किचन में वॉल पे। और यहाँ पे हमारी टॉल यूनिट आ जाती है, ये देखिए पैंट्री यूनिट है ये बेसिकली, इसके अंदर अभी लगना बाकी है। यहाँ पे आपकी अप्लायंसेस के लिए स्पेस दी हुई है, और यहाँ पे देखेंगे तो कैफ का हॉब, कैफ की चिमनी, और किचन में आपको जो है पूरी किचन में वाइट कलर की फिनिश मिलने वाली है। ये देखिए नीचे आपका टोटल इटालियन मार्बल मिल जाता है। फिटिंग्स की बात करेंगे तो यहाँ पे ये देखिए हेटिक की फिटिंग्स मिल जाती हैं, सारा सॉफ्ट क्लोजर ड्रॉर्स मिल जाता है आपको किचन में। तो आगे जैसे ही बढ़ते हैं ये हमारा जो एरिया है यहाँ पे हम फैमिली लाउंज बना सकते हैं, और इस साइड पे हमारा पाउडर रूम आ जाता है, ये देखिए। और इस साइड पे ये देखिए यहाँ पे ये विंडो मिल जाती है जो शाफ्ट में खुलती है। यहाँ पे आपको ये देखिए ग्रोहे, बाकी यहाँ पे आपको AC मिल जाता है, और इस साइड पे हमारा आ जाता है पहला बेडरूम। यहाँ पे मैं आपको अगर दिखाऊं सामने टीवी पैनल आ जाता है हमारा, नीचे इटालियन मार्बल फ्लोरिंग आ जाती है, और ऊपर आपको फॉल सीलिंग का काम मिल जाता है पूरा LED लाइटिंग के साथ। यहाँ पे AC मिल जाता है,
और इस साइड पे हमारी रियर बालकनी आ जाती है, ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे दो टैप मिल जाती हैं आपको, और पीछे से जो है कुछ ऐसी लोकेशन पे हमारी प्रॉपर्टी है। तो ये थी हमारी रियर बालकनी, और जैसे ही हम आगे प्रोसीड करेंगे तो इस साइड पे हमारा ये ड्रेसिंग एरिया आ जाता है। ये पूरी वार्डरोब्स आ जाती हैं हमारी यहाँ पे, एक खोल के मैं दिखा देता हूँ। सेम साइज़ की वार्डरोब्स आ जाती हैं सारी, और इसे बंद करते ही इस साइड पे हमारा आ जाता है वॉशरूम। वॉल पे आपको कुछ ऐसी फिनिश मिलने वाली है टाइल्स की, यहाँ पे ये देखेंगे तो जैगवार ग्रोहे, ये देखिए नीचे आपको स्टोरेज स्पेस मिल जाती है, यहाँ पे भी आपको स्टोरेज स्पेस मिल जाती है, और इस साइड पे ग्लास पार्टीशन के साथ शावर एरिया आ जाता है आपका, ये देखिए, और ऊपर आपको यहाँ पे रेन शावर मिल जाता है। तो चलिए आगे चलते हैं अब हमारे सेकंड बेडरूम की तरफ। इस साइड पे यहाँ पे हमारा सेकंड बेडरूम आ जाता है, और यहाँ पे देखेंगे तो नीचे आपका टोटल वुडन फ्लोरिंग मिल जाती है, कॉर्नर में वार्डरोब मिल जाती है सेम जैसी मैंने पहले दिखाई थी, यहाँ पे एसी, और इस साइड पे देखेंगे तो एक सेकंड, ये हमारा यहाँ पे वॉशरूम आ जाता है। यहाँ पे आपको मैं दिखा दूँ एक सेकंड, सेम जैगवार एंड ग्रोहे, नीचे आपका इटालियन मार्बल, नीचे आपका यहाँ पे स्टोरेज स्पेस, वॉल पे टाइल्स की फिनिश, और ग्लास पार्टीशन के साथ शावर एरिया आ जाता है आपका, यहाँ पे भी आपका रेन शावर आ जाता है, बाथरूम में भी ग्रोहे की फिटिंग्स मिल जाती हैं आपको। और रियर बालकनी दिखा देता हूँ अब आपको मैं, ये देखिए ये हमारे बाकी के जो दो पीछे की साइड बेडरूम आते हैं उनसे अटैच है, यहाँ पे आपकी टैप आ जाती है, और ये मैं आपको दिखा ही चुका हूँ पीछे का एरिया, ओपननेस है काफ़ी आगे की साइड भी और पीछे की साइड भी। और जैसे ही इस रूम से बाहर निकलेंगे लेफ्ट साइड पे, इस साइड पे अब हमारा आ जाता है थर्ड बेडरूम। नीचे आपका टोटल इटालियन मार्बल फ्लोरिंग आ जाती है, सामने की बालकनी मैं दिखा ही चुका हूँ आपको, यहाँ पे आपको एसी मिल जाता है, और इस साइड पे आ जाता है हमारा वॉशरूम। यहाँ पे आपको वॉल पे कुछ ऐसी मैट फिनिश मिल जाती है टाइल्स की, इस साइड पे हमारी पूरी वार्डरोब आ जाती है। एक गेट खोल के दिखा देता हूँ, ये देखिए और इस साइड पे ग्लास पार्टीशन के साथ शावर एरिया आ जाता है, ऊपर आपका यहाँ पे रेन शावर आ जाता है, यहाँ पे देखेंगे तो सेम यहाँ पे भी वही जैगवार ग्रोहे की टैप, यहाँ पे आपका ग्रेनाइट, नीचे सारी स्टोरेज स्पेस आ जाती है। तो चलिए ये था हमारा थर्ड बेडरूम। अगर आप ना मेरी वीडियोस में कुछ चेंजेस चाहते हैं ताकि आपको और इंटरेस्ट आए तो जरूर बताइएगा। इस साइड पे हमारा आ जाता है फोर्थ बेडरूम। नीचे आपका टोटल इटालियन मार्बल फ्लोरिंग आ जाती है, यहाँ पे एसी आ जाता है हमारा, और इस साइड पे ये देखिए ब्यूटीफुल सी पेंटिंग लगी हुई है, और यहाँ पे हमारा टीवी पैनल आ जाता है। आप देख सकते हैं कॉर्नर में थोड़ा सा रिपेयर वर्क हुआ है, नई बिल्डिंग में आता ही है थोड़ा बहुत रिपेयर वर्क। इस साइड पे हमारा वॉशरूम आ जाता है, क्योंकि नई बिल्डिंग में हमें पता चल जाता है कहाँ पर सीलन आएगी कहाँ पर नहीं आएगी, तो उससे जो है हम प्रिपेयर हो जाते हैं कहाँ कहाँ पे दिक्कत है उसको ठीक करने के लिए। वॉल पे हमारा यहाँ देख सकते हैं टाइल का काम मिल जाता है पूरा, और यहाँ पे जैगवार ग्रोहे सेम यहाँ पे आपका पूरा स्टोरेज स्पेस, ग्रेनाइट का टॉप, वार्डरोब आ जाती है पूरे इस साइड पे, और पूरे इस साइड पे बहुत स्टोरेज स्पेस मिल जाती है यहाँ पर।
ग्लास पार्टीशन का आपको यहाँ पे शावर एरिया मिल जाता है। ये देखिए पूरा वॉल पे आपका सेम व्हाइट कलर फिनिश और ऊपर आपका रेन शार, व्हाइट कलर की टाइल्स हैं, बहुत सुंदर लग रही है। और इस साइड हम बढ़ेंगे तो हमारी इस साइड पे फ्रंट बालकनी आ जाती है। एक सेकेंड, हाँ तो ये हमारी जो है फ्रंट बालकनी आ जाती है। एंड फ्रंट बालकनी से व्यू देखिए आप, बहुत शानदार मिल जाता है। इस साइड पे एलिवेशन का पार्ट आ जाता है हमारा। और यहाँ पे देखेंगे तो एक सेकेंड, यहाँ पे आपको ये डबल हाइट की जो है, ये पूरा डबल हाइट का यहाँ पे मिल जाता है आपको बालकनी जो है। तो ये था हमारा फोर्थ बेडरूम। और प्राइस की बात करेंगे तो प्राइस जो रहने वाला है इसका 5 CR है, 418 गज है। मैं चलिए अब आपको टेरेस दिखाता हूँ। टेरेस पे जाएंगे हम तो ये सारी सीनरीज एंड यहाँ पे मिरर वगैरह वर्क बहुत अच्छा मिल जाता है आपको। और यहाँ पे देखिए नेचुरल सनलाइट के लिए कितनी अच्छी स्पेस दी हुई है, विंडो देखे यहाँ पे। और ये आ जाती है अब हमारी यहाँ पे टेरेस। और टेरेस पे जैसे ही हम आते हैं तो मैं आपको दिखा देता हूँ इस साइड पे हमारा, मैं टेरेस आपको बाद में दिखाऊंगा बाहर की। इस साइड पे ये दो सीनरी मिल जाती हैं। ये हमारा प्रॉपर 2 BHK छत पे आ जाता है। यहाँ पे आपको फ्लोरिंग में टोटल टाइल का काम मिलने वाला है। और इस साइड पे दिखाऊं तो एक सेकेंड, मैं आपको यहाँ पे पूरा आपको टाइल का काम मिलने वाला है। यहाँ पे ये आपका हॉल है और इस साइड पे आपको एसी की फिटिंग मिल जाती है। और इस साइड पे हमारी किचन आ जाती है, बेसिकली पैंट्री एरिया ही है ये। पूरी वाइट कलर की फिनिश मिल जाती है। यहाँ पे आपको विंडो दी हुई है वेंटिलेशन के लिए। और इस साइड पे हमारी रियर बालकनी आ जाती है ये पूरी, ये देखिए पीछे का एरिया मैं पहले भी आपको दिखा ही चुका हूँ। पूरी बहुत बड़ी बालकनी मिल जाती है आपको यहाँ पे। और जैसे ही हम इस साइड बढ़ेंगे तो लेफ्ट साइड पे, इस साइड पे हमारा फर्स्ट बेडरूम आ जाता है टेरेस का। अब हमारी मर्जी है स्पेस को कैसे यूटिलाइज करें। नीचे वुडन फ्लोरिंग मिल जाती है, ऊपर आपको एसी की फिटिंग मिल जाती है, यहाँ पे वार्डरोब आ जाती है सेम। और पीछे की बालकनी मैं आपको दिखा ही चुका हूँ। इस साइड पे हमारा आ जाता है वॉशरूम, ये देखिए वॉशरूम में जो है कुछ ऐसी टाइल्स की फिनिश आ जाती है। और मिरर मिल जाता है यहाँ पे, यहाँ पे सेम जैगुआर एंड जैगुआर की टैप, यहाँ पे ग्रेनाइट, नीचे स्टोरेज स्पेस, यहाँ पे भी स्टोरेज स्पेस मिल जाती है आपको। ये देखिए वार्डरोब दी हुई है प्रॉपर। और ये हमारा शावर एरिया, ऊपर रेन शार। तो ये हमारा पहला बेडरूम। अब चलिए आपको मैं हमारे सेकंड बेडरूम की तरफ लेके चलता हूँ। इस साइड पे आ जाता है हमारा सेकंड बेडरूम। नीचे आपका वुडन फ्लोरिंग आ जाता है, पीछे की बालकनी मैं दिखा ही चुका हूँ आपको। ऊपर आपको एसी मिल जाता है यहाँ पे। और इस साइड पे देखेंगे तो पूरी वार्डरोब्स आ जाती हैं हमारे यहाँ पे ग्रे कलर की फिनिश में। और ये हमारा वॉशरूम आ जाता है, इसमें भी आपको टोटल ग्रे कलर की फिनिश मिलने वाली है। वॉल देखेंगे तो यहाँ पे ग्रे कलर की फिनिश है। नीचे आपका वैनिटी भी ग्रे कलर में है, जैगुआर, जैगुआर की टैप, मिरर। और ये हमारा शावर एरिया आ जाता है पूरा। ऊपर आपको रेन शावर मिल जाता है, कर्टन रॉड लगी हुई है यहाँ पे। तो ये था हमारा टेरेस वाले पार्ट पे रहने के लिए जो स्पेस बनाई हुई है वो। और इससे जैसे ही हम बाहर निकलेंगे तो ये आ जाती है हमारी पूरी टेरेस। यहाँ पे ऊपर आपको यहाँ पे टैंक के लिए, वाटर टैंक के लिए, एक्सेस के लिए स्पेस दी हुई है, स्टेकेस। एंड ये पूरी हमारी ओपन टेरेस आ जाती है। टेरेस में यहाँ पे आपका ये देख सकते हैं पूरा ग्रेनाइट का यहाँ पे काउंटर टॉप बना हुआ है। यहाँ पे आपको सिंक भी मिल जाती है।
और बहुत बढ़िया स्पेस निकाली हुई है, जैसे आप पार्टी वगैरह गैदरिंग वगैरह करना चाहें तो काफ़ी स्पेस दी हुई है। और आप आसपास भी ये देख सकते हैं कि कितनी बढ़िया लोकेशन पे है, कितनी ज़्यादा ग्रीनरी मिल जाती है आपको यहाँ पे, एंड प्राइस भी बहुत जेन्युइन है। ये देखिए पूरा ग्रीन स्पेस मिल जाता है आपको सब जगह। तो मैंने जो है आपको पूरी प्रॉपर्टी दिखा दी है, तो अपनी वीडियो जो है मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए अगर आपको पसंद आई है, तो शेयर कीजिए जिनको ऐसी प्रॉपर्टीज़ की ज़रूरत है, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए अगर आप हमारे कंटेंट को इन्जॉय कर रहे हैं तो। और बाकी मैंने नीचे नंबर मेंशन कर दिया, उस पर आप कॉल या फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपको किसी भी तरह की गुड़गांव में प्रॉपर्टी की नीड हो, चाहे वो लैंड हो, अपार्टमेंट हो, फ्लोर हो, कोठी हो, तो प्लीज़ डू कॉन्टैक्ट अस। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।